ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। जी हाँ, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ, हनीड्यू का ये थर्ड चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश से हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़िए, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें क्लास 8 हनीड्यू चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस एंड आंसर। लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज द सिंगर? हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो पिक्चर 1 को देखिए, रिकॉल रिमेंबर याद कीजिए, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, हिंदी में जो ओरिजिनल सॉन्ग है, वास्तविक गीत है, उसको याद कीजिए। हु इज द सिंगर? इसके गायक कौन हैं? हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आप और किसे देखते हैं? जब आप अपनी बुक देखेंगे तो दिख जाएगा आंसर। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, तो हिंदी गीत की आरंभिक पंक्तियां हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए। ये आरंभिक पंक्तियां हैं। इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर के द्वारा इसे गाया गया। वी सी पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेज इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। तो इस तस्वीर में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन पिक्चर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वीपन्स? तो द्वितीय जो तस्वीर है उसमें आप कंपनी के सुपीरियर वीपन्स, जो महत्वपूर्ण औजार थे, वीपन्स थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो क्या थे? आंसर। द ईस्ट इंडिया कंपनी कंकर्ड इंडिया, भारत को जीत लिया बाय यूजिंग सुपीरियर वीपन्स, सुपीरियर अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करके, द गन्स एंड डिप्लोमेसी, गन्स बंदूकें और डिप्लोमेसी कूटनीति। थर्ड क्वेश्चन, हु इज एन आर्टिसन? आर्टिसन मीन्स कारीगर, कारीगर कौन है? व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड? पिक्चर 3, तो पिक्चर 3 को देखकर आप बताएं कि ये कारीगर कौन है। व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड? आप कैसे, क्यों सोचते हो कि कारीगर कष्ट भोगा, सफर्ड? आंसर। एन आर्टिसन इज अ क्राफ्टमैन स्किल्ड इन सम ट्रेड। तो एक कारीगर, आर्टिसन, क्राफ्टमैन होता है, क्राफ्ट्समैन होता है, स्किल्ड होता है, कुशल होता है, निपुण होता है, इन सम ट्रेड, कुछ व्यापार में, कुछ धंधे में। दे सफर्ड, वे कष्ट भोगे, बिकॉज, क्योंकि, द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड लास्ट डिमांड, क्योंकि जो वस्तुएं वे बनाते थे, जिनका वे उत्पादन करते थे, उनकी मांग घटती गई, लॉस्ट डिमांड, मांग घटती गई इन इंडियन मार्केट, भारतीय बाजारों में, भारतीय बाजार में उनके उनकी मांग घटती गई, इसलिए वे कष्ट भोगे। फोर्थ क्वेश्चन,
विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। तो कौन सी तस्वीर आपके अनुसार यह दर्शाती है, दिखाती है स्पार्क्स ऑफ द फायर, आग की चिंगारी, ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह के आग की चिंगारी को दिखाती है। आंसर, आई थिंक पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। मैं समझता हूँ कि तस्वीर जो 7 है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा, ये दर्शाती है रिवोल्ट मीन्स विद्रोह, तो विद्रोह की आग की चिंगारी को दर्शाती है, दिखाती है ये आपकी मेरे वतन के। क्वेश्चन आंसर, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।